वेलकम बैक दोस्तों एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक चलती फिरती ट्रेन। और ये ट्रेन देखने में काफी ज्यादा मस्त लगेगी। और यही नहीं, इसके अंदर हम 3-4 डब्बे भी लगाएंगे जिसके अंदर हम पैसेंजर को बिठाएंगे, जैसे कि अपने विलेजर्स। और उसके बाद अपने ट्रेन को हम बहुत ही अजीबोगरीब जगह ले जाने वाले हैं, जैसे कि पानी के अंदर, केव के अंदर, लावा के अंदर। तो समझ रहे हो उसका मतलब, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तो ट्रेन बनाने से पहले हमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक सेटअप करने पड़ेंगे, जिसको मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूंगा और बिल्कुल एंड तक ले जाने वाला हूँ। तो इसी ट्रैक के ऊपर अपनी ट्रेन पूरी असेंबल होने वाली है। ओके, अपने ट्रैक तो यहाँ पे बिच चुके हैं, नोट अप बिच यार, मैं बिच मतलब असेंबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें स्टेशन असेंबल करना है, तो उसके लिए पहले हमें पटरियों पे मार्क करना पड़ेगा स्टेशन को। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे रखेंगे स्टेशन को, ओके ये सक्सेसफुली यहाँ पे बाउंडेड हो चुका है। और ये है हमारा स्टेशन, जो भाई अपने कैरेक्टर से भी छोटा, भाई कितना छोटा स्टेशन है ये भाई माइनक्राफ्ट है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो न्यू ट्रेन बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टेशन पर टैप करना होगा, और यहाँ पर हम स्टेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ विलेज स्टेशन। और ये स्टेशन इतना बड़ा है, इसके अंदर एक विलेजर नहीं आएगा। ओके, अब नई ट्रेन बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो ट्रेन का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू फ्लैग आ चुका है स्टेशन पे, और यहाँ पटरियों पे ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बोगी आ चुकी है, इसका नाम है बोगी। अब इसी बोगी के ऊपर हमें सारे के सारे ब्लॉक प्लेस करनी है और एक पूरी की पूरी ट्रेन बनानी है। बट उससे पहले एक और मेन चीज़ है, जिसका नाम है ग्लू। तो हर ब्लॉक को हमें ग्लू से यहाँ पे चिपकाना होगा, जिससे कि ट्रेन चलते हुए अपने जो ब्लॉक है वो यहाँ से हिल ना जाए। तो ओके, मैंने अपने लेफ्ट हैंड में ग्लू रख ली है। अब जो भी ब्लॉक मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा उस पर ऑटोमेटिकली ग्लू लग जाएगी। और ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे कंट्रोलर लगाया, जिस कंट्रोलर से हम ट्रेन को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे असेंबल ट्रेन लिखा है। ओके, असेंबल हो चुकी है अपनी ट्रेन। अब देखो, ये है अपनी पूरी तैयार ट्रेन। अभी मैं इसका नामकरण और करूँगा, तो ये बहुत ही नूब सी ट्रेन है, तो इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे नूब ट्रेन। ओके, तो इसका नामकरण भी हो चुका है, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको चला के देखते हैं। बट रुको, हम लोग बैठेंगे कहाँ पे? तो बैठने के लिए हमें यहाँ पे सीट लगानी पड़ेगी। उसके लिए पहले ट्रेन को हमें डीअसेंबल करना पड़ेगा, और फिर वापस यहाँ पे सीट लगानी पड़ेगी, और उसके बाद वापस से असेंबल करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब अपनी ट्रेन बैठते हैं हम लोग और चला के देखते हैं। वाह 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 दोस्तों, क्या ही बेहतरीन तरीके से अपनी ट्रेन वर्क कर रही है यहाँ पे। और देख रहे हो कितना बढ़िया लुक है अपनी ट्रेन का। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है अच्छा लुक नहीं है। तो अभी अपना काम चालू हुआ है, मैंने तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से अपनी ट्रेन यहाँ पे बनने वाली है। पर ट्रेन थोड़ी देर में बनाएंगे हम लोग, पहले मैं मजे कर लूँ यार, बढ़िया मजे आ रहे हैं चलाने में। आगे 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 आगे, पीछे 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 पीछे। तो चलो यार, काफ़ी ज़्यादा बकवास हो चुकी है, अपना काम चालू करते हैं। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, वापस से अपनी ट्रेन को डीअसेंबल करना है, और उसके बाद काफ़ी सारी यहाँ पे बोगीज लेके आएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारी बोगी ले आए। अब इन सबको हम अटैच करेंगे और एक बहुत बेहतरीन सी ट्रेन बनाएंगे यहाँ पे। भाग यहाँ से। ओके दोस्तों, यहाँ पर अपना इंजन का काम कंप्लीट हो चुका है, और इंजन काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। अभी केवल इंजन कंप्लीट हुआ है, पीछे अभी हमें काफ़ी सारे डब्बे बनाने हैं। पर यार इंजन की लुकिंग वाह एकदम मस्त लग रही है मेरे को, तो आप लोगों को बता दी यार, मुझे तो मस्त लग रही है एकदम। अभी एक चीज़ कमी है, अभी जो यहाँ पे विसल है ना, वहाँ से धुआं भी आना चाहिए, जिससे कि रियलिस्टिक सा लगे। तो इस विसल के नीचे मैं एक फायर कैंप रखने वाला हूँ, वैसे मैं इसे विसल बोल रहा हूँ, रियल में तो ये चिमनी है स्टीम बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसे धुआं बाहर निकलेगा तो बिल्कुल रियलिस्टिक सा लगेगा। बट मुझे पता है अभी देखो बाहर निकल नहीं रहा धुआं, क्योंकि जब हम इसे असेंबल करेंगे ना, उसके बाद बाहर निकलते हुए दिखेगा। जब तक असेंबल नहीं करेंगे तब तक ऐसे लगेगा, बट यार एकदम रियलिस्टिक सा लुक आएगा इससे। और दोस्तों हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, हम टायर चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो? तो बिल्कुल इस तरीके के हम टायर चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी मतलब इंजन वाली बोगीज है ना हमारी, उन सबके टायर चेंज करके मैं ऐसे कर दूंगा। एक मिनट रुको यार, चेंज क्यों नहीं हो रहा ये? अरे ओके, तो इंजन के सारे टायर मैं चेंज कर दूंगा, बिल्कुल सेम ऐसे बना दूंगा, और जितने भी अपने पीछे डब्बे रहेंगे उनके नॉर्मल टायर रहने वाले हैं। A few moments later. और दोस्तों इंजन काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यार इसकी लुकिंग देखो भाई, कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मुझे पता है पुराने ज़माने का इंजन बनाया मैंने, बट यार मस्त लग रहा है कुछ भी कहो। और मुझे यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसको चलाने की, बट यार अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक बार ही चलाएंगे इसको।
ओके दोस्तों, 10 किलो दिमाग लगाने के बाद ये वाला डिजाइन मेरे को अच्छा लगा है डब्बों का। देख लो डब्बा मतलब ठीक ठाक लग रहा है, जैसे अपनी ट्रेन पूरी कॉपर की बनी है उस हिसाब से ही मैंने डब्बा भी कॉपर का बनाया है, तो मतलब मैच हो रहा है, बढ़िया भी लग रही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे काफी सारे डब्बे बनाने वाले हैं और फिर देखते हैं भाई ट्रेन का फाइनल लुक कैसी लगती है ट्रेन। अरे देखो देखो, हमसे मिलने कौन आया, यहाँ पे ट्रेडर आया है। आप यहाँ पर आए हमें काफी अच्छा लगा, बट मेरी पटरी पे हट जाओ, मुझे यहाँ ट्रेन चलानी है। ट्रेडर सुनाई आ रही है मेरी बात, यहाँ पे हट जाओ। तेरी ऐसी की तैसी हट नहीं रहा है और अपनी लावाश को लेके और आ गया, पूरा माइनक्राफ्ट छोड़ के इसको पटरियां मिली थी खड़े होने के लिए। और दोस्तों काफ़ी देर की मेहनत के बाद और दिमाग लगाने के बाद मेरी ट्रेन कंप्लीट हो चुकी है और सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए। तो 1, 2 और 3, तो ये रही दोस्तों हमारी ट्रेन, और देखो कितनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है यार, मज़ा आ गया यार इसको बनाने के बाद। और यार मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी बेहतरीन ट्रेन बना दूंगा, बट यार सच्ची में बहुत मस्त लग रही है। मुझे पता है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट क्या करो यार, बनाई इतनी बढ़िया ट्रेन है मैंने। इसका इंजन देखो, डब्बे देखो, डिटेलिंग देखो यार। अरे यहाँ से टूट रही है, मैंने देखा ही नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट रुको जरा। ओके ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट अभी है मेन सवाल, क्या ये असेंबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि चलाने से पहले हमें इसे असेंबल करना पड़ेगा। अगर ये असेंबल नहीं होती है तो ये नहीं चलेगी। तो असेंबल के लिए हमें पहले स्टेशन पर जाना पड़ेगा, स्टेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर असेंबल पर क्लिक कर रहे हैं। तो यार जैसा मुझे लगा था कि यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, टू मैनी बोगीज अटैच, तो काफ़ी सारी मतलब 3 से ज़्यादा बोगीज अटैच है, तो हमें बोगीज को डी अटैच करना है। तो रुको मैं ट्रेन को ठीक करके आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अरे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको ठीक करने में, बट मैंने अब क्या करा है, ट्रेन के अंदर का इंटीरियर भी बना दिया है, तो अब अपनी ट्रेन बिल्कुल कंप्लीट है। और यहाँ पर पेंटिंग रह गई थी। ओके तो ट्रेन के अंदर इंटीरियर बना दिया मैंने, अंदर सीट भी लगा दी है, तो अब अपनी ट्रेन बिल्कुल कंप्लीट है और असेंबल भी अब क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने अब कोई गलती नहीं करी है। तो देखते हैं भाई अपनी ट्रेन असेंबल होती है या नहीं होती है। ओके असेंबल पर क्लिक करते हैं, 1, 2, 3। ओके गाइस, तो अपनी ट्रेन यहाँ पे असेंबल हो चुकी है, पर अभी मैं इसका नाम और चेंज करूँगा थोड़ी देर में। पर उससे पहले यार आप लोग इसका लुक देखो यार, क्या ही लुकिंग आ रही है भाई ट्रेन की, और सामने चिमनी में से अब धुआं भी निकल रहा है जो मैं बोल रहा था असेंबल करने के बाद निकलेगा। तो अब है अपनी ट्रेन का ये फाइनल लुक, अब लग रही है ना गजब एकदम, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है चलाने का। तो फटाफट इसके अंदर बैठते हैं और ट्रेन को चला के देखते हैं कैसे चलती है भाई ये। ओके गेट खोलते हैं, सीट पर बैठते हैं, गेट बंद करते हैं, अब कंट्रोलर से चलाते हैं भाई अपनी ट्रेन को। ओके ओके भाई चल रही है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद जब ट्रेन चल रही है ना, सही में अलग ही लग रही है। बट यार इसके लिए ये पटरी बहुत छोटी है, देख रहे हो, मतलब स्पीड भी नहीं पकड़ पा रही है ट्रेन। पहले पटरी कितनी बड़ी लग रही थी, अब इस ट्रेन के बनने के बाद कितनी छोटी सी लग रही है भाई ये पटरी। और यार ट्रेन को देखो कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब जैसे हम ट्रेन को स्टार्ट करते हैं सारे गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, और जैसे ट्रेन यहाँ पे रुकती है सारे गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और ट्रेन में से प्रेशर बाहर निकलता है, मतलब बिल्कुल रियलिटी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो चलो जो अपना इंपॉर्टेंट काम था ट्रेन बनाने का वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट अभी एक और काम बचता है, वो है यहाँ पे ट्रैक बिछाना, क्योंकि हम ट्रेन कहाँ पे चलाएंगे, ट्रैक पे चलाएंगे ना, इतने ही ट्रैक पे चलाए क्या मजा आएगा। तो विलेज के अंदर मैं एक रियल स्टेशन बनाने वाला हूँ और ट्रैक नई नई जगह ले जाने वाला हूँ, पानी के अंदर, लावा के अंदर, मतलब मजा आएगा आप लोगों को देख के। तो फटाफट मैं काम चालू करता हूँ ट्रैक्स का। 2 hours later। और दोस्तों काफ़ी देर की मेहनत के बाद यहाँ पे मैंने ट्रैक सेटअप कर दिए, स्टेशन सेटअप कर दिया, मतलब सारा काम लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को यार हंसी आएगी, मैंने ट्रैक कहाँ कहाँ से लेके गया हूँ मतलब। और दोस्तों बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार ट्रेन हमारे ट्रैक पे आ चुकी है, और यहाँ पे आने के बाद देखो यार कितनी मस्त लग रही है। और पीछे यहाँ पे अभी डब्बे खाली पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके अंदर विलेजर भरेंगे, बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं ट्रैक अपने कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है अपने ट्रैक, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हो, किसी के घर के ऊपर से भी जा रहे हैं अपने ट्रैक भाई, देख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे पेड़ के ऊपर से भी जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत दूर तक अपन ट्रैक जा रहे हैं। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट सारे सीक्रेट अभी रिवील कर दूंगा तो बाद में क्या मजा आएगा, बट इतना बता रहा हूँ मजा बहुत आने वाला है। ओके गाइस लास्ट काम भी हो चुका है, मैंने डब्बों के अंदर विलेजर भर दिए हैं, अब फटाफट चलते हैं ट्रेन को असेंबल करते हैं और घूमने चलते हैं भाई अपनी ट्रेन से, और ये विलेजर हर जगह आ जाते हैं, भाग यहाँ से। ओके असेंबल करते हैं ट्रेन को, अब बैठते हैं अंदर। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, देख रहे हो अपने ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं अंदर। ये ट्रेन इन्होंने तो बनाई है, मैंने नहीं बनाई ये ट्रेन, इन बेवकूफ़ ने बनाई ये ट्रेन। भाग भाई, कितने मजे में आके बैठा है वो ट्रेन चलाने के लिए। ओके ये विलेजर मर चुका है, अब अपने सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब दोनों गेट बंद करते हैं और ये सारी इन्वेंट्री खाली करते हैं अपनी, इसको भी बंद करते हैं और चलाते हैं भाई ट्रेन को, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है।
ओके तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और यस गाइस, अपनी ट्रेन चालू हो चुकी है यहाँ पे। यार क्या मस्त लग रही है अपनी ट्रेन, देख रहे हो चलते हुए क्या मजे आ रहे हैं भाई देखने में। अब पता नहीं भाई मैंने पानी के अंदर ट्रैक लगाए तो पानी के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, देखते हैं। मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना। और अंदर विलेजर और मधुमक्खी बैठी है। अपने पैसेंजर थोड़े से अजीब है। ओके तो जो चीज आप लोग देखना चाहते थे अब आप लोग देखने वाले हो कि ट्रैक जाएंगे पानी के अंदर। ये नहीं, ये तो थोड़ा सा था, आप देखना। ओके हम लोग पानी के अंदर जा चुके हैं और ट्रेन भाई बिल्कुल मक्खन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको पानी के अंदर भी। और अब आप लोग देखना, जब हम पानी से बाहर निकलेंगे ना, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों सीधा डीप केव के अंदर। देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ लेके गया हूँ मैं ट्रेन को। अब यहाँ पे देखना क्या क्या है, यहाँ पे लावा आने वाला है, लावा के अंदर से अपनी ट्रेन जाएगी, ये देखो। और ट्रैक पर भी लावा है, काफ़ी यार मज़े आ रहे हैं ट्रेन को चलाने में। कुछ भी कहो यार, मेरे को नहीं पता था इतने ज़्यादा मज़े आने वाले हैं यहाँ पे। ओके अब हम सीधे ऊपर जाएंगे और उस केव से बाहर निकल जाएंगे और वापस उसी ट्रैक पे पहुंच जाएंगे जिस ट्रैक से हम यहाँ पर आए हैं। और ये देखो अपने ट्रैक वापस से उसी ट्रैक पे ज्वाइन हो चुके हैं जिस ट्रैक से हम आए थे। और यार इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और पीछे पता नहीं विलेजर चिल्ला क्यों रहे हैं, शायद उन्हें मज़ा आ रहा होगा या फिर वो लावा जल गए होंगे। कुछ भी हो सकता है। और यार हम लोग वापस से स्टेशन पहुँचने वाले हैं, पर मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है ट्रेन चलाते रहें चलाते रहें, मज़े आ रहे हैं इसको चलाने में। और हम लोग वापस से अपने स्टेशन पे आ चुके हैं और यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ट्रेन चलाने में। आई होप दोस्तों आपको ट्रेन पसंद आई होगी, अगर बढ़िया लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस तरह काफ़ी सारी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद है तो बताना प्लीज़, क्योंकि हम अभी इसमें कार बस ट्रेन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा मन है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।